नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। दोस्तों, अच्छी खासी पोस्ट है, सैलरी भी बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है और फीस भी ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, चलो देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी सारी पोस्ट निकली है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, कब तक अप्लाई करना है, फीस कितनी लगने वाली है, सारी चीज़ें। तो दोस्तों, तो चलो देख लेते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। पुलिस मुख्यालय गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से निकला हुआ ये जो पोस्ट है वो उसकी जो डेट है पहले वो देख लेते हैं। प्रारंभिक तिथि क्या है, तो 27 अगस्त 2021 को यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन, और जो आवेदन भरने की अंतिम तिथि है वो 27 सितंबर 2021, मतलब 27/9/2021 को यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी, उसके पहले आपको आवेदन करना जरूर है। दोस्तों, संशोधन करने के लिए भी यहाँ पे कुछ डेट मिल रही है, जैसे कि 27/9 से लेके 4/10 तक आप यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं, और आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है, 4/10 है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं विभागीय शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए कितना लगने वाला है। तो उप निरीक्षक के लिए यहाँ पे 100 रुपये है, आरक्षित के लिए यहाँ पे 100 रुपये है, और अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उप निरीक्षक के लिए 50 रुपया है, और आरक्षक के लिए यहाँ पे 50 रुपया। इस तरह से आपको फीस यहाँ पे दी गई है। और ऑनलाइन भरने वाला अभ्यर्थी हेतु पोर्टल शुल्क आपको यहाँ पे 70 रुपये लगेगा, प्लस GST देना होगा। और उसके बाद में आवेदन में सुधार करने हेतु आपको यहाँ पे 50 रुपये देने होंगे, और उसके प्लस साथ में प्लस GST भी देना पड़ेगा। दोस्तों, उप निरीक्षक और आरक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है, चलो देख लेते हैं। उसके लिए उप निरीक्षक के लिए विशेष सशस्त्र बल में आपकी भर्ती होगी, और आरक्षक के लिए भी सेम विशेष सशस्त्र बल में आपकी भर्ती होने वाली है। दोस्तों, चलो बाकी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं फुल डिटेल्स में। जैसे कि मैं ज़रा नीचे चलता हूँ और आपको मेन चीज़ें यहाँ पर दिखाता हूँ। पहले चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो पोस्ट है निकली है वो प्लेयर्स के लिए, खिलाड़ी के लिए है, मतलब जो स्पोर्ट्स में है स्पोर्ट्समैन के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें निकल के आ चुकी है। और स्पोर्ट्स में कौन कौन से आप यहाँ पे देख सकते हैं, 30वीं राष्ट्रीय सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप नई दिल्ली फरवरी, या तो फिर 31वीं राष्ट्रीय सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप बिहार दिसंबर 2012, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। कब कब की है, राष्ट्रमंडल खेल में अभिप्रेत है, जैसे कि राष्ट्रमंडल खेल में जो हुए थे, राष्ट्रमंडल खेल 2006 मेलबर्न में, या राष्ट्रमंडल खेल 2010 नई दिल्ली में, या राष्ट्रमंडल खेल 2014 ग्लासगो, ये सारी चीज़ आप चेक कर लीजिए आपको कौन से इसमें अपने पार्ट्स गया था, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, पद किस तरह से रहने वाले आप यहाँ पे देख सकते हो, उप निरीक्षक के लिए 10 पद है कुल मिला के। इसमें से आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट है, OBC के लिए 3 पोस्ट है, SC के लिए 2 पोस्ट है, और ST के लिए 2 पोस्ट है। इस तरह से आपको 10 पोस्ट टोटल देखने को मिल रही है। और जो आरक्षक है उसके लिए 50 पद निकल के आ चुके हैं, उसमें से आप देख सकते हैं जनरल के लिए 13 पोस्ट है, OBC के लिए 13 पोस्ट है, SC के लिए 8 पोस्ट है, ST के लिए 10 पोस्ट, और EWS के लिए 6 पोस्ट है। इस तरह से टोटल 50 पोस्ट निकल के आ चुकी है। तो कुल मिला के इतनी सारी पोस्ट हैं। चलो बाकी चीज़ें भी आपसे डिस्कस करते हैं, जैसे कि अंकों का विभाजन किस तरह से होने वाला है अगर पदक के हिसाब से, तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। ओलंपिक अगर आप खेले हो तो आपको ज़्यादा पदक, मतलब पॉइंट मिलेंगे, जैसे कि स्वर्ण पदक के लिए 800 अंक है, रजत के लिए 700, कांस्य के लिए 600, और भागीदारी 400। तो इस तरह से सारे खेल के लिए यहाँ पे दिया गया है। खेल कौन कौन सा होना चाहिए आप देखिए, ओलंपिक खेल, विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप, या उसके बाद में एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, साउथ एशियन गेम्स, अधिकृत एशियन चैंपियनशिप, राष्ट्रीय खेल और अधिकृत राष्ट्रीय चैंपियनशिप। इसमें से अगर आपने खेला है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स कोटे के लिए है। दोस्तों, वेतनमान की बात करें, सैलरी की बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उप निरीक्षक के लिए आप यहाँ पर 36,200 से लेकर 1,14,800 रुपये तक सैलरी मिलने वाली है, मतलब सैलरी अच्छी खासी है। और आरक्षक के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 19,500 से लेकर 62,000 रुपये तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। तो सैलरी भी बहुत ही बढ़िया है, अच्छी खासी है। अर्हता क्या क्या लगेगी शैक्षणिक, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगने वाली है। तो आप देखेंगे तो आरक्षक के लिए यहाँ पर 10+2 है, मतलब 12वीं पास होना चाहिए, और अगर आप अनुसूचित जनजाति से हो तो यहाँ पर आप 8वीं पास हो तो भी आपको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और जो उप निरीक्षक पद है, सब इंस्पेक्टर है, उसके लिए यहाँ पे आपको सिर्फ ग्रेजुएशन होना जरूरी है किसी भी इसमें डिसिप्लिन में, मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वो सबके लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी सेम है, आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता में कोई भी छूट नहीं मिलेगी, सीधा सीधा लिखा गया है, देखिए शैक्षणिक योग्यता में कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से है। और निर्धारित आयु सीमा जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी आवर्ती के लिए 1 अगस्त 2021 को कम से कम 18 साल होना चाहिए,
उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल 33 ईयर्स के ऊपर आपका उम्र नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है और वो गिना जाएगा 1 अगस्त 2021 को। बाकी चीज़ आप यहाँ पे देखते दे सकते हैं भर्ती का तरीका किस तरह से होने वाला है। तो खुली प्रतियोगिता में सीधे भर्ती के लिए भरे जाने वाले पदों के लिए यहाँ पे पद दिए गए, न्यूनतम क्या है, मैक्सिमम क्या है, एज आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं जो ओपन भर्ती है उसी के लिए। और बाकी चीज़ें बहुत सारी यहाँ पे दी गई है, जैसे कि खेल कौन कौन से आप देख सकते हैं और उसकी अधिकृत संस्था कौन सी है, जैसे कि एथलीट के लिए यहाँ पे एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया या हर एक का दिया गया है कौन कौन सा है, मतलब अधिकृत संस्था, उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए जो जो है और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों सारी चीज़ आपके समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों साथ में शेयर कीजिए और अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, घंटा आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे नया वीडियो बना उस नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर रखना चाहिए क्योंकि वहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट जॉब से सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए जॉब साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।